मार्च के महीने में अर्थात 20-21 जो कि दिन है होली का, उस दिन सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य का और सभी प्लैनेट्स का, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहाँ पे हम प्रूफ के साथ बात करेंगे कि कैसे वो चीजें आएंगी उनकी कुंडली में, किस तरीके से उनका प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहले आप ज्योतिष घर की वेबसाइट को खोल सकते हैं या किसी भी वेबसाइट को खोल लें जहां से आप कुंडली बना सकते हैं। आप उसमें डेट डाल दीजिए 21 तारीख की, क्योंकि 21 मार्च के करीब आपका होली पड़ रहा है, या जब भी ऐसी फेस्टिवल आए जैसे होली दिवाली, वैसी ही डेट आप डालें, आपको पता लग जाएगा कि उसके आसपास कैसा भविष्य आपका रहने वाला है। तो 21 मार्च की हमने डेट डाल दी यहाँ पे 2019, और जगह हम कोई भी डाल दें यहां से और जनरेट हम चार्ट कर दें तो ये मिल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ये लग्न चार्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे आपको प्लैनेट्स को देखना है और उन प्लैनेट्स को लिख लेना है एक जगह पे। चलिए, गोचर के टाइम जो हमारे मासिक हर महीने में गोचर मूवमेंट होता है और जो साल का गोचर होता है, उन प्लैनेट्स पे आपको जोर देना है। कौन कौन से हैं वो, राहु को आपको देना है, केतु को देना है, शनि को देना है, बृहस्पति देव को देना है आपको, और एक एक महीने वाले जो एक एक महीने में घर एक घर से दूसरे घर में मूवमेंट करते हैं, जिसमें आपके बुध देव हो गए, आपके शुक्र देव हो गए और मंगल देव हो गए और सूर्य देव, इन सबकी आपको लिस्ट बना के एक जगह पर लिख लेना है। दोस्तों, जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये जो चार्ट है यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, पिछली वीडियो में बताया गया हुआ है। 5 नंबर जो होता है वो सिंह राशि को, सिंह लग्न को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे ये 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये आपकी जो लग्न है वो आपको सिंह लग्न है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लियो। अब आपको देखना है कि मार्च के महीने में लियो लग्न वालों की भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आर्थिक स्थिति पे, पारिवारिक जीवन पे, कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ हमने देखेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। चलिए, जैसे कि आपको वीडियो में बताया है मैंने कि आपको इस तरीके से नंबरों को लिख लेना है, और यही नंबर में जो नंबर जिनके सामने लिखा है वहां वहां पे आपको प्लेसमेंट कर देनी है। तो आपको पता लग जाएगा कि इस होली पर आपका कैसी दिनचर्या होने वाली है और कैसा 1 मार्च से 31 मार्च आपका जीवन जाने वाला है। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य जो है वो 12 नंबर में बैठा हुआ है, तो मार्च महीने में सूर्य जो होगा वो मीन राशि में करेगा। तो 12 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे सन उठा के लिख देना है। तो जो आपका सन है वो आपकी मीन राशि में बैठा हुआ है, और जो मंगल है, मंगल क्या है आपका, अभी मंगल जो है वो 1 नंबर मेष राशि में बैठा हुआ है, लेकिन 21 मार्च को जो ये मंगल होगा ये उठकर आपका वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल हर एक महीने के बाद गोचर की मूवमेंट करता है, हर एक महीने के बाद मूवमेंट करता है, तो आपको क्या देखना है, एक तो आपने यहाँ पर उठाकर क्या, जहाँ पे पहले तो मंगल यहाँ पे था, अब मंगल की मूवमेंट आगे होगी तो मंगल आके यहाँ बैठ जाएंगे आपके दो, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। चलिए, उसके बाद 7 मार्च को बुध वक्री हो जाएगा और 7 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो बुध जो है वो आपके 11 नंबर में प्रवेश करेगा, तो बुध जो आपका वो बैठेगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया बुध। तो बुध जाके आपका यहाँ बैठने वाला है, मरकरी जो है वो आपका यहाँ पे बैठेगा। गुरु वृश्चिक राशि में भ्रमण करने वाला है, क्योंकि 8 नंबर अगर आप यहाँ देखें तो 8 नंबर में आपका बैठा हुआ है बृहस्पति, तो बृहस्पति आपका कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में करेगा, तो 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको जुपिटर लिख देना, तो जुपिटर आपका यहाँ पे हो गया। चलिए, अब शुक्र है जो है 22 मार्च को कुंभ राशि में गोचर करने वाला है। 22 मार्च को जब 21 होली के बाद जो 22वीं मार्च आएगी तो उसमें वो आपका कुंभ राशि में जाएगा। अभी वो 10 नंबर में है, बाद में वो बुध के साथ आ जाएगा, तो शुक्र जो है वो 21 मार्च से पहले पहले तो यहाँ पे रहने वाला है शुक्र, शुक्रदेव, लेकिन 22 मार्च को वो उठकर आपका यहाँ पे शुक्र आ जाएगा बुध देव के साथ। चलिए, ये तो हो गई, ये चार्ट आप देखते रहिए, क्योंकि ये कैसे मूवमेंट करते हैं, हर एक महीने में शुक्र बुध देव सूर्य के आसपास ही आगे होते हैं या पीछे होते हैं, ये भ्रमण करते हैं। चलिए, ये तो आपके पास हो गया, शुक्र का हो गया। शनि, जैसा आपको बताया है, शनि जो है वो आपके, शनि और केतु 9 नंबर में है, तो 9 नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ है कुंडली में, 9 नंबर आपके यहाँ लिखा हुआ है, तो शनि और केतु आपकी कुंडली में यहाँ पे बनेंगे। शनि और केतु जो है वो आपकी कुंडली में 9 नंबर में धनु राशि में बैठे हुए हैं। चलिए, अब होने क्या वाला है सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए। देखिए, राशि और लग्न में यही अंतर है, अगर 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे तो इसका मतलब हो गया लग्न। अगर यहाँ पे कहीं भी 5 नंबर लिखा हो, अगर यहाँ 5 नंबर लिखा हो, यहाँ 5 नंबर लिखा हो, वहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो मतलब ये है कि वो आपकी जो राशि हुई वो आपकी सिंह राशि हुई। चलिए, इस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये जो महीना है ये थोड़ा सा डामाडोल रहने वाला है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो सूर्य देव हैं वो नीच होकर बैठे, खराब होकर बैठे हुए हैं, गलत घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ होगी होगी, क्योंकि जो सूर्य देव हैं वो लग्न है, लग्न का मालिक उठकर यहाँ पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा।
उसके बाद आप देखें तो दृष्टियों की बात कर लें, जैसे हमने देखा है कि जो आपका राहु केतु होते हैं, राहु केतु की जो दृष्टियां होती हैं वो 5, 7, 9 होती है, शनिदेव की 3, 7, 10 होती है दृष्टियां, और शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो शनिदेव इस घर को एक्टिवेट करेंगे, शिक्षा में प्रॉब्लम करेंगे, डिले करेंगे इस चीज में। यहाँ से आपकी ये पार्टनरशिप और आपकी वाइफ वाले घर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इसको भी इम्पैक्ट करने वाले हैं, आपकी वाइफ के साथ कलह हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव 21 मार्च से पहले पहले जो आपके लाभ, जो आपके मेटलिस्टिक चीजों का प्रदान करता है वो आपका छठे भाव में बैठा हुआ है, तो वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए आपको सामान्य दिन है, आपको जाना ही पड़ेगा। नौकरों को आपको ध्यान रखना है, सर पर नहीं चढ़ाना है क्योंकि शनिदेव की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव जो होते हैं वो नौकरों के प्रिय होते हैं, क्लास टी छोटे छोटे लोगों को ज़्यादा वो पसंद करते हैं अपने से पोजीशन के हिसाब से, तो आपको उनके साथ बुरी बातचीत नहीं करनी है, उनको सिर पर नहीं चढ़ाना है। कोई ऐसा जिस पर आप यकीन करते हैं आपको पूरा सच नहीं बताएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उधार दिए धन की प्राप्ति ना होने पर आपका मन अशांत हो सकता है क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं उधार अगर किसी ने आपसे लिया है तो वो आपको नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आर्थिक पक्ष की बात कर लें, आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर लें, तो मंगल जो है वो आपके वृषभ राशि में बैठा हुआ है, ये दसम भाव में बैठा हुआ है, तो यह समय आपके लिए खर्चे का है, इसलिए धैर्य बनाए रखें, ऐसे बचें और कर्जों से आपको बचना है, कर्ज आपको नहीं लेना है। चलिए अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो सूर्यदेव जो है लग्न है उठकर यहाँ पे गलत भाव में बैठा हुआ है, गलत घर में बैठा हुआ है, तो सिर में आपको दर्द बना रहेगा, आपको माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जो अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे आपको तंग करेगी, जिसकी वजह आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम होगा, इसका इलाज आपको ध्यान करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो आपको जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो यहाँ से दूर होगी, क्योंकि सूर्य आपका इस महीने में खराब घर में बैठा हुआ है। चलिए अगर आपके कैरियर और व्यवसाय की देख लें, तो नौकरी अगर आप स्विच करने की सोच रहे हैं मार्च के महीने में तो आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि तो मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, मंगल का ये जो 10वां घर होता है इसका प्रिय घर होता है, आपको पूरी स्टेमिना देगा, शक्ति देगा, आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी आपके दरवाजे पर आएगी, आपको दस्तक देगी, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जो नॉर्मल ही कंडीशन रहने वाला है इससे ज्यादा आपको खराब नहीं होगा। आपको वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, देखिए शुक्रदेव यहाँ पे आ गए हैं तो डेफिनेटली शुक्र जो है वो स्त्री का कारक है, आपके साथ आपकी वाइफ के साथ संबंध अच्छे बनाएगा, लेकिन शनिदेव की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके साथ एक चिचड़ा जैसा व्यवहार आपके वातावरण में क्रिएट कर देगा। तो प्रेम करने वाले इस समय समझदारी से आपको काम लेना, क्योंकि शनि केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो लव मैरिज में हैं, तो अगर आप लव कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं, तो ब्रेकअप का भी चांस है, इस टाइम आइए आपको ब्रेकअप करवा सकता है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह था सिंह लग्न वालों के लिए एक मार्च का महीना, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से ग्रहों की मूवमेंट है, किस तरीके से ग्रह प्लेस्ड हो रखे हैं। हर एक महीने के बाद आपका सूर्य देव हो गए, मंगल देव हो गए, शुक्र देव हो गए, और आपके यहाँ पे बुध देव हो गए, ये एक घर से दूसरे ग्रह की तरफ मूवमेंट करते हैं, और इसमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो वक्रीय भी पीछे की तरफ भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, तभी आपका काम सिद्ध होने वाला है, तभी आपका काम सार्थक होगा। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और कोई समस्या समाधान चाहिए तो आप हमें एंड्रॉइड ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कोई समस्या हो तो आपको जरूर लिखें, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही या कहीं हमसे कोई गलती हो तो हम उसके लिए आपकी क्षमा याचना चाहते हैं, और सुधार करने की हम दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रूफ के साथ था आपका कि किस तरीके से गोचर हो रहा, किस तरीके से आपका मार्च का महीना रहने वाला है। तो ग्रहों की आप डिग्रियां जरूर देखें, बार बार विनती है, नीच घर नहीं होना चाहिए, नीच प्लैनेट नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो वो आपको ऐसे परिणाम नहीं देगा। जैसा मैंने बताया है वैसा तो हो सकता है ऐसे महीने में है, ये सबके साथ नहीं होने वाला, किसी किसी के साथ होगा, अगर जिसकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो उनकी कुंडली में अच्छा फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।